सत श्री अकाल फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स जो कि आपका काम भी आसान करेंगी, खाना भी बहुत टेस्टी बनाएंगी। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको एक टिप दे रही हूँ जिससे कि आप बहुत इंस्टेंट से जल्दी से तिल की स्वीट्स बना सकते हो। तिल की बहुत ही इंस्टेंट सी मिठाई है ये। तो ये मैंने तिल लिए हैं, ये हैं वेट में 200 ग्राम। अगर कप के हिसाब से देखें तो ये 1.5 कप है, 1.5 कप तिल है। तिल को आप साफ़ करके ले लेना, कई बार इसमें कंकड़ पत्थर वगैरह भी होते हैं। अब तिल को हमने करना है ड्राई रोस्ट, कोई घी ऑयल कुछ भी नहीं डालना है, बस ड्राई रोस्ट करना है इसको। तो मीडियम फ्लेम पर इसे आप करना है एकदम से, ये नहीं तो जल भी सकते हैं। एक आध मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट। ये देखिए, साथ मैंने काजू लिए और साथ ही मैंने बादाम लिए हैं। तो ये डालने से क्या होगा कि इस मिठाई में बिल्कुल मावे वाला टेस्ट आएगा। वैसे ये जो ड्राई फ्रूट है ना, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इनको नहीं डालना चाहते हो ना, तो उसके बिना भी ये मिठाई बहुत अच्छी बनती है। अब ये देखें, तिल जो है ड्राई रोस्ट होने लग गए हैं। इसका आपको ऐसे पता चलेगा कि इससे आपको अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। दूसरा, इसका कलर जो है ना, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लग जाएगा। पूरा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज होने लग गया ना। तो 5-6 मिनट लगे हैं मुझे मीडियम फ्लेम पर। गैस को अब बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब ये मैंने लिया है पेठा। ये देखें, ये पेठा है, इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये भी मैंने 200 ग्राम ही लिया है। जितना तिल लेना है उतना ही पेठा लेना है। अब इसको मैं कर रही हूँ ग्रेट। ग्रेटर की छोटी वाली साइड से आप कर लेना, या ऐसा छोटा वाला ग्रेटर हो ना उससे आपने करना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारा पेठा ग्रेट कर लेंगे। अब ये देखिए, तिल जो है ठंडे हो गए हैं। तो इसमें से थोड़े से तिल मैं एक प्लेट में अलग निकाल रही हूँ, 3-4 चम्मच के करीब निकाल लेंगे। और बाकी के जो तिल और ड्राई फ्रूट है ना, इसको हम पीस लेंगे मिक्सी के जार में डालकर। तिल को पीस कर पेठे में ही मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये देखें आप, बहुत अच्छी तरह से डोसा बनकर तैयार हो गया है। अब इससे आप अपनी पसंद से चाहे तो बर्फ़ी बनाएं, पेड़ा बनाएं, लड्डू बनाएं, कुछ भी बना सकते हो। छोटा सा मैं इसका पार्ट लेकर मैं लड्डू बना रही हूँ। इसके ऊपर अब इस जो बचे हुए तिल थे ना, उसको लगा देंगे। इस तरह से रोल रोल करते रहेंगे, एक्स्ट्रा तिल इस तरह हट जाएंगे। और ये देखें कितना अच्छा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। इन लड्डुओं में ड्राई फ्रूट का, तिल का और पेठे का टेस्ट है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप इसे कभी भी बना सकते हो और स्टोर कर सकते हो 10-12 दिन के लिए। जैसे अब मकर संक्रांति आ रही है तो आप उसमें भी बना सकते हो। अगली टिप है, विंटर में हम अपनी डाइट में क्या शामिल कर लें जिससे कि हमारे शरीर में गर्मी बनी रहे और हम बीमारियों से भी बचे रहें। तो इसके लिए हम वैसे तो कई चीज़ों का यूज़ करते हैं, पर आज मैं बता रही हूँ अदरक के बारे में। तो ये मैंने अदरक लिया है, तो इससे मैं बनाऊंगी चटनी। अदरक की चटनी आपने कभी नहीं बनाई होगी। ये बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ही फायदेमंद होती है, टेस्टी भी बहुत बनती है। तो अदरक इसके लिए आप ऐसा ले लेना जिसमें कि धागे वगैरह ना हो ज़्यादा, तभी ये चटनी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अदरक को छील कर आपने करना है ग्रेट, ग्रेटर की मोटी वाली साइड से कर लेना। तो अदरक मैंने ग्रेट करके रख लिया है। अब इससे हम चटनी बनाएंगे, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो इसे अब बनाना शुरू करते हैं। तो पैन में डाल लेना है ऑयल, 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल गर्म हो गया तो गैस को बिल्कुल लो कर देंगे। अब इसमें डाल लेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच पिसा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे। और लाल मिर्च भी मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून के करीब, क्योंकि अदरक जो है वो भी तीखा ही होता है, तो मिर्च इसमें थोड़ी कम ही जाएगी। और नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार। अब मसालों को थोड़ा सा हम ऑयल में सौते कर लेंगे। तो बस ये ध्यान रखना है कि मसाले जल ना जाएं। अब इसमें डाल देंगे अदरक, और अदरक को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 1-1.5 मिनट तक बस पका लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। इस चटनी को बनाकर आप दाल रोटी के साथ खा सकते हो, जैसे कि हम धनिया पुदीने की चटनी खाते हैं उसी तरह से थोड़ी थोड़ी सी लेकर खा सकते हो। टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसके फायदे भी बहुत हैं। या फिर आप इसको पराठे के साथ खाएं, चटनी को बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा।
अब ये चटनी तैयार हो गई है, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो अदरक सूख जाएगा और इसमें कड़वापन भी ज़्यादा हो सकता है। अब ये तैयार हो गई है, इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसको निकाल लेंगे। आप इसको फ्रिज में रख कर 2-3 दिन तक भी खा सकते हो। अब जैसे विंटर है तो विंटर में आंवले बहुत अच्छे आते हैं, तो आंवले का यूज़ हमें रोज़ की डाइट में करना चाहिए। तो आंवले में जो है कैल्शियम बहुत होता है, विटामिन सी होता है और आयरन बहुत होता है। तो जो महंगे महंगे हम च्यवनप्राश वगैरह लेते हैं ना, उसमें भी आंवला बहुत ज़्यादा यूज़ किया होता है। तो आंवले को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ आंवले के गट्टाकट बनाना। तो इसके लिए आपने आंवले को कुकर में डालकर बॉईल करना है। आधा कप बस पानी डाला, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 विसल लगवानी है हाई फ्लेम पर। आंवले बॉईल हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे। जो कुकर में पानी बच गया है, इस पानी को आप थोड़ा सा शुगर सिरप मिलाकर पी सकते हो, क्योंकि इसमें भी बहुत आयरन वगैरह है। या फिर आप इसको एज अ कंडीशनर यूज़ कर सकते हो हेड वॉश करने में। अब जो आंवले हैं इसकी फाके अलग करेंगे। देखिए वैसे तो बड़े आराम से हो रही, हाथ से ही हो जाएंगी, तो इस तरह से आप इसकी फाकों को अलग कर लें, गेटक अलग हटा दें और इनको हमने पीसना है। तो पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है, पानी डालने से जो हम गटागट बनाएंगे वो जल्दी ख़राब हो सकती है, इसलिए पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अब लेंगे एक पैन या कढ़ाई, उसमें इस आंवले को डालेंगे। तो ये देखिए हमने इसमें बिल्कुल भी ऑयल वगैरह नहीं डाला है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आंवला हमने पीसा है ना, ये 1 कप है। तो 1 कप हमने ये आंवला लिया ना, उसी हिसाब से हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। तो इसको अभी हमने 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है बस, जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना वो सूख जाए। 2 मिनट पकाने से ही इसमें देखें एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर था वो सूख गया है। इस समय इसमें डालेंगे मीठे के लिए गुड़। तो 1 कप ही मैं गुड़ ले रही हूँ, 1 कप ही आंवले का जो पेस्ट था वो, और 1 ही कप उसमें गुड़ लिया है, बराबर लेनी है क्वांटिटी। तो इसको अब हमने मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो ये देखिए अब गुड़ जो है मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो अब गुड़ मेल्ट हो गया है, तो इस समय इसमें हम कुछ मसाले मिला लेते हैं। गैस को बिल्कुल लो कर देंगे और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को मैंने थोड़ा पीस कर लिया है। थोड़ी सी हींग मिला देंगे, 1/2 चम्मच डालेंगे काला नमक, 1/2 चम्मच रेगुलर नमक, सौंठ पाउडर भी 1/2 चम्मच डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून डालेंगे, 1/4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। क्योंकि जो आंवले होते हैं थोड़े कसैले होते हैं, इसलिए इसमें कुछ खटास डालनी होगी इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। तो अभी हम इसमें लास्ट में नींबू का रस भी डालेंगे। तो सारे मसाले मिलाकर इसको थोड़ी देर और पकाना है। ये जो हम गोलियाँ बना रहे हैं ये हाजमे के लिए, आँखों के लिए, हेयर के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होंगी। तो इसको बनाकर रख सकते हैं, 1 साल तक भी ख़राब नहीं होती हैं। अब इसमें 1 चम्मच के करीब नींबू का रस भी डाल देंगे, इससे ये खट्टी मीठी गट्टागट बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब ये देखें ये जो हमारा मिक्सचर है इसने कढ़ाई छोड़नी शुरू कर दी है, आपस में इकट्ठा सा हो गया ना। जब इस तरह का हो जाए, इकट्ठा हो जाए, सूख सा जाए थोड़ा सा और कढ़ाई छोड़ने लग जाए, तब आपने गैस बंद करके इसको ठंडा होने देंगे। निकाल लिया मैंने इसको, अब इसकी हमने गोलियां बनानी है। तो देखिए हाथ में आपने पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, अगर ये हाथ में चिपक रहा है मिश्रण तो आप इसमें लगाएं थोड़ा सा शुगर का पाउडर। ये मैंने शुगर पाउडर लिया हुआ है, हाथ में लगा लिया थोड़ा सा और इसकी गोल गोल गोलियां मैं बना रही हूँ। तो अब ये देखिए ये बनाकर फिर आपने इसको शुगर पाउडर में ही इस तरह से रोल रोल करना है, यानी इसके ऊपर भी शुगर पाउडर ही लगाना है। तो देखिए इस तरह से बना बना कर रखते जाएंगे। आप इसे बनाकर एयर टाइट बॉक्स वगैरह में डालकर रख लेना। तो इस गोली को आप दिन में 1 खा सकते हो, जैसे रात को खाना खाने के बाद 1 गोली खा ली। बच्चे भी इसको खा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? तीनों में से आपको कौन सी वाली इनमें से आपको कौन सी वाली टिप ज़्यादा अच्छी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर देना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।